वंस अगेन वेलकम क्लास सिक्स इन आवर ऑनलाइन क्लास। क्लास सिक्स कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें हम देख रहे थे जंबल वर्ड्स एंड वर्कशीट 63 से एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 जो इसकी थी ये मैंने आपको करके दिखाया था। एंड 3, 4 एंड 5 ये आपको दिया था करने के लिए, मैंने बोला था आपको कि आप लोग इसको करके रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मैच करेंगे। तो मैं आपको एक एक जो जंबल वर्ड है मैं इसका सेंटेंस बताता चल रहा हूँ, आप लोग इसको मैच करते हुए चलेंगे, जो करेक्ट है उसको करेक्ट करते चलेंगे। तो थर्ड का जो फर्स्ट जंबल वर्ड्स था इसमें दिया था इसने, इन्होंने आपको ट्रीज़ कार्ड आर प्लांट्स बिग, तो ये फर्स्ट हैज़ डन। फॉर एन एग्जाम्पल इट्स अ करेक्ट सेंटेंस इज बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। एंड नेक्स्ट जो आपको करने के लिए इन्होंने दिया था वो था हैव कॉल्ड ट्रंक दे स्टीम स्ट्रोंगर, हैव कॉल्ड ट्रंक दे स्टीम और स्ट्रोंगर। तो इसकी जो करेक्ट सेंस है वो करेक्ट सेंस है दे हैव स्ट्रोंग स्टीम्स कॉल्ड ट्रंक, दे हैव स्ट्रोंग स्टीम्स कॉल्ड ट्रंक्स, मैच करते रहेंगे। बी एंड साइजेस ट्रीज डिफरेंट हैव शेप्स, तो इसकी करेक्ट फॉर्म है ट्रीज हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज, ट्रीज हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। सी हैव लीव्स ग्रीन मोस्ट ऑफ द ट्रीज, तो इसकी करेक्ट सेंस है मोस्ट ऑफ द ट्रीज have green leaves, most of the trees have green leaves. D in the trees food chain useful very are, trees are very useful in the food chain, trees are very useful in the food chain. तो इस तरह देखा आपने, ये 3 complete हो जाती है हमारी। come to next 4th, इसका भी first complete किया हुआ है इनके द्वारा। A wolf to a drink to drink one day went stream water, तो इसको देख लीजिए इन्होंने लिखा है वन डे ए वॉल्फ वेंट टू ए स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, और इसी से रिलेटेड आपके नीचे के जो चार ऑप्शन हैं हमारे पास इनके उसी से स्टोरी से, एक स्टोरी टाइप का है ये, इसी से रिलेटेड सेंटेंस है। वन डे वॉल्फ वेंट टू ए स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, एंड ऑल्सो ए यंग केम lamb water to drink there, तो ये हो जाएगा there also came a young lamb to drink water, there also a young lamb came to drink water, ठीक है बेटे। now b two wanted the wolf the lamb kill, the wolf wanted to kill the lamb, the wolf wanted to kill, the wolf wanted to kill the lamb. C told the he that lamb he was making the water dirty, he told the lamb, he told the lamb that he was making the water dirty, that he was making the water dirty. Gently replied the lamb he was not doing so, that the lamb gently replied that he was not doing so, the lamb gently replied that he was not doing so. तो इस तरह आपके बेटे फोर्थ कंप्लीट हो जाती है। नाउ फिफ्थ में आपके पास है सबसे पहले सेंटेंस है जो उसको भी कंप्लीट किया गया है। बेसिक इज़ द प्रॉपर फूड ऑफ रिक्वायरमेंट हेल्थ, प्रॉपर फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ। एंड नेक्स्ट है absence health mean does not of disease, तो ये कंप्लीट जब सेंटेंस बनेगा तो उसको health does not mean, health does not mean absence of disease, health does not mean absence of disease. B the presence and vitality of energy it rather means, it rather means the presence of energy and vitality, it
rather means the presence of energy and vitality. C. Of disease for prevention essential are protective food. C mein protective food are essential for prevention of disease. And last, in protein and minerals, vitamins are rich. They are rich in protein, vitamins and minerals. तो इस तरह बेटे ये आपकी वर्कशीट 63 कंप्लीट होती है. सभी को अपनी बुक्स में फिल कर लेनी है और इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 64 पर. 64 भी आपको जंबल वर्ड्स हैं, ऐसे ही हैं जैसे आपने अभी 63 में किया है, बिल्कुल सेम तरीके से. ये आज आपके लिए होमवर्क है. 1, 2, 3 and 4 देयर आर 4, 5 एक्सरसाइज. 6, 7, 8, 9 और 10 जैसे फर्स्ट है इसमें दिया हुआ है, पहला वो डन भी दिया गया है, करके दिखाया गया है आप लोगों को. तो उसी तरह से स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए आपको इसको भी कंप्लीट करना है. कंप्लीट करने के बाद कल या नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी आएगी तब इसको हम मैच करने के लिए होगी. तो ये होगा आपका आज का होमवर्क. एक मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाएंगे. जैसे एजेस ऑफ ऑल इन्जॉय पीपल गेम्स प्लेइंग, तो पीपल ऑफ ऑल एजेस इन्जॉय गेम्स प्लेइंग, बिल्कुल ऐसे ही है. फिट एंड अस कीप गेम्स एंड हेल्दी एक्सरसाइज, गेम्स एंड एक्सरसाइज कीप अस फिट एंड हेल्दी. मैनी वी गेम्स प्ले ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, वी प्ले मैनी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न गेम्स. प्लेड आर सम द हाउसेज गेम्स असाइड, तो ये जगह सम गेम्स आर प्लेड इन साइड द हाउसेज. इंडोर दीज गेम्स आर कॉल्ड, एंड दीज आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, दीज आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. तो इस तरह आपको अपनी ये वर्कशीट नंबर 64 के 5 एक्सरसाइज, एक मैंने आपको बताया है, 4 बचती हैं आपके पास, या आप होमवर्क में करेंगे. ये आपका होमवर्क है. ओके एंड बाय.